लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसमें हमारे पास वो वाले फ्रैक्शंस दिए गए हैं जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स के नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 इज द रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है 1 over x square minus 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब ये हमारे पास इस तरीके से दिया गया होगा तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर होगा इसके फैक्टर्स बनेंगे। 1 over x square minus 1 इज इक्वल टू 1 over x plus 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने रिड्यूस करना है या रिजॉल्व करना है इसको 1 over x plus 1 इंटू एक्स माइनस 1 को, कि हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन कर ली, उसके फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस, इसके फ्रैक्शंस होंगे a over x plus 1 प्लस b over x minus 1। अब इक्वेशन बनाने के लिए सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने सॉल्व करना है, किसी मेथड से सॉल्व कर लें। अगर हम a को खत्म करना चाहते हैं तो जो चीज a से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जीरो बनाना पड़ेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 1। x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू a खत्म हो जाएगा, b इज 1 plus 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज b से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जीरो पुट कर देंगे। जब x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये जो x इज इक्वल टू -1 है ये इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1, b जीरो हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी -1/2। तो जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आए 1 over x square minus 1 के, वो हमारे पास आ गए -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जिससे हमने रिजॉल्व करना है। जो क्वेश्चन दिया गया होगा सबसे पहले तो देखें, अगर तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स दिए गए हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास प्रॉपर है। उसके बाद सपोज कर लिए कि कोई इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, उनकी इक्वेशन बना ली। उस इक्वेशन के बाद वहां से हमने जो अननोन वेरिएबल सपोज किए होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो चीज इधर बी से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जीरो कर दें। जीरो करेंगे तो एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज a से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जीरो के इक्वल पुट करें, जो x की वैल्यू आती है वो पूरी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास एक b की वैल्यू आ जाएगी। देन इज द क्वेश्चन नंबर
2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1. अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे. प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवीजन करेंगे. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1. तो हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1. सबसे पहले डिवीजन के लिए इस चीज को x स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टी x रेज टू पावर 4 बनाने के लिए इस x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर. दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2. माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया 2. तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये अब हमारे पास बाय डिवीजन और बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हमारे पास आ गया कि x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1. अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर है 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, हम फ्रैक्शंस इसके बनाएंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे. अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ गया है. जब भी हमारे पास कोई इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले हम उसकी डिवीजन करके उसको प्रॉपर डिवीजन करेंगे और उसका जो प्रॉपर पार्ट होगा या जो रिमाइंडर होगा उसके फिर हम आगे फ्रैक्शंस बनाएंगे. अब हम इसके बनाएंगे 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 के. तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1. सपोज कर लें इसके फ्रैक्शन तो वो हो जाएंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1. सारे टर्म्स को x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1. जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज b से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें और जो वहां से x की वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें. जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1. जब इस इक्वेशन में x की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी माइनस 1 माइनस 1, ये चीज 0 हो गई. यानी कि माइनस 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस 1. सिमिलरली जब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो चीज b से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें. a से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें, x इज इक्वल टू 1. जो x की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट करें. पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b और
बी इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो आ जाएंगे। तो आंसर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा के एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। देन इज दी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको भी हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उतने ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। इसमें तीन फैक्टर्स हैं तो इसके तीन फ्रैक्शंस होंगे, a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x प्लस टू प्लस c ओवर x प्लस थ्री। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड से x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ताकि ये हमारे पास एक किसी प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में आ सके। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन हैं ये खत्म हो जाएं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको कोई भी नाम दे लें, लेट के मैं इसको नाम दे देता हूं वन, इक्वेशन नंबर वन। जब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें बी और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। अब चेक करें कि दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। x माइनस वन जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दें और वहां से जो x की वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास b भी जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। सो x माइनस वन को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा वन। ये जो x इज इक्वल टू वन है ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन वन, पुटिंग x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। जहां जहां पे x है वहां वहां पे वन पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री। बी भी जीरो हो जाएगा जब एक्स जगह पे वन पुट करेंगे तो यह टर्म जीरो होगी तो बी जीरो हो जाएगा, सिमिलरली सी भी जीरो हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहां से हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस वन थ्री, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, तो थ्री इज इक्वल टू 12a implies that a is equal to 1 by 4. a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को भी जीरो करना पड़ेगा, c को भी जीरो करना पड़ेगा। तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, x प्लस टू दोनों में कॉमन है, उसको जब हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी
वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी. पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2. सो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, जब x की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, एक तो 0 हो जाएगा क्योंकि जब यहां पे माइनस 2 पुट होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली a भी 0 हो जाएगा, सिमिलरली c भी 0 हो जाएगा, तो b हमारे पास बच जाएगा b इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आएगी b इज इक्वल टू 1. सिमिलरली जब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो a और b में कॉमन फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वो है x प्लस 3. x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3. पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, या आप खुद पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो c की वैल्यू है वो आएगी c इज इक्वल टू माइनस 5/4. तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो आ गए कि 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास आई 1/4. 1/4 इंटू x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आई 1, तो 1 ओवर x प्लस 2. c की वैल्यू आई माइनस 5/4, माइनस 5/4 इंटू x प्लस 3. बिल्कुल आसान सा मेथड है जिसमें हमने एक फ्रैक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है. आप इजीली सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं. देन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर्स नहीं दिए गए, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया गया है, इसके हम लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू, इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 2 इंटू x प्लस 5. अब हमने इसको रिजॉल्व करना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू, सपोज हम कर लेंगे फ्रैक्शंस a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 5. इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5. तो इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 प्लस b इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 5
plus c into x plus 2 into x minus 2. उसके बाद जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो चीज b और c में कॉमन फैक्टर होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. b और c में कॉमन फैक्टर है x minus 2, x minus 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2. जब हम इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू माइनस 1/28. आप खुद इसको पुट करके सॉल्व करेंगे. सिमिलरली जब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो a और c में जो कॉमन फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2. इस इक्वेशन में जब आप x की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी माइनस 5/4. जब c की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो a और b में कॉमन फैक्टर होगा दैट इज x प्लस 5 उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 5, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 30/7. ये जो वैल्यूज हैं ये हम a, b और c की जगह पे यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो आ जाएंगे, दैट इज के माइनस 1/28 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5/4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 30/7 इंटू एक्स प्लस 5. बिल्कुल एक ही मेथड जो है वो सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है. सबसे पहले सपोज कर लेने हैं, इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेनी है डिपेंडेंट अपॉन कि जब हमने किसको जीरो करना होगा और किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी.